मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? अगर विजिबल है आपको थम्स अप कर दो। ठीक है, लास्ट क्लास में क्योंकि नहीं थे आप लोग, पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि हमें नीड के कैपेसिटर्स की, नीड ऑफ कैपेसिटर्स। हमने पढ़ा उनके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, आइसोलेटेड कैपेसिटर्स, एंड नो आइसोलेटेड कैपेसिटर्स। फिर हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास अर्थ के जितने साइज का कैपेसिटर है, अर्थ के साइज का कैपेसिटर, तो उसकी कितनी कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, अभी हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हमने एक और चीज, एक सेकेंड रुको, हैंग हो रहा है सिस्टम। अर्थ के साइज की कितनी कैपेसिटेंस है। फिफ्थ, इससे पहले एक्चुअली हमने इससे पहले पॉइंट पढ़ा था, हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स की, सो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, उनकी कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ा था। ये पांच से चीजें हम पढ़ी थी। इसके बाद हम एक और अब टॉपिक हम पढ़ते हैं, न्यू टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर्स। स्फेरिकल कैपेसिटेंस, अगर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर, और इसके अराउंड एक और शेल है। लेट से इसका रेडियस अगर आर ए है और इसका रेडियस आर बी है, सेंट्रिफ्यूजिटी। और अगर मान लो ये एक अरेंजमेंट बन गई ना कंडक्टर्स की, एक अरेंजमेंट बन गई कंडक्टर्स की, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। या जिसे हम बोल सकते हैं, और ये अरेंजमेंट कैसी है, दो स्फेरिकल शेल्स, स्फेरिकल को सेंट्रिक शेल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस अंदर वाले स्फेयर को एक पॉजिटिव चार्ज दूंगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया मान लो मैंने, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, इन रिटर्न इस अंदर वाली प्लेट पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इंडक्शन की वजह से अगेन बाहर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ प्लस क्यू दे रहा हूँ, यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ग्राउंडिंग कर रहा हूँ, इसके आउटर सर्फेस पे ग्राउंड कर रहा हूँ। अगर मैं इसके आउटर सर्फेस को ग्राउंड कर रहा हूँ, तो बाहर वाला चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, जो बाहर का प्लस क्यू चार्ज होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो शेल है, बी शेल, इसको लेट से बी शेल बोल देते हैं, ये ए शेल।
वी शेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं इसको, अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्फाइंड है, एक कन्फाइंड रीजन में। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बाउंडेड रीजन में है। ये बाउंडेड है, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कन्फाइंड रीजन है। अब हमें क्या पता है कैपेसिटेंस क्या होती है किसी भी कैपेसिटर की? कैपेसिटेंस होती है जो हमने चार्ज दिया है, हमने प्लस क्यों चार्ज दिया, डिवाइड बाय वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी, वी ए क्या है? वी इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है। और वी बी क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होता है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड। अब चार्ज तो हमने दिया प्लस क्यू, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हमें पता है वी नो ई इज इक्वल टू माइनस के डी वी बाई डी एल, ठीक है। तो माइनस का डीवी किसके बराबर होगा? ई डी आर। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड, हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, ए से बी ना, तो वी ए माइनस वी बी। हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो यहां पे भी आएगा आर ए आर। अगर मैं नेक्स्ट शीट पे जाऊं, यहां तो मेरा बनेगा इंटीग्रेशन माइनस के डीवी ए माइनस वी बी, यहां बनेगा आर ए से आर बी ई डॉट डी आर। सिंप्लिसिटी के लिए हम आर ए को ए बोल देते हैं, रेडियस ऑफ स्फेयर ए, और रेडियस ऑफ स्फेयर बी को हम बी बोल देते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, आर ए आर बी बार बार में। ये बन गया मेरा ए, ये मेरा बन गया डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है वी, और पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा तो क्या बन जाएगा वी ए माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन भी कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी। और अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पूरे रीजन में, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अगर हम गॉस लॉ से निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ मैं वैल्यू बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी आर ए से बी। अब मुझे सोल्व करके बताओ वी ए माइनस वी बी की क्या वैल्यू आएगी, फटाफट से सोल्व करके इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके बताओ वी ए माइनस वी बी की क्या वैल्यू आएगी। अगर आप कर रहे हो तो बता दो, नहीं तो मैं कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, हो सकता है उनको समझ में ना आ रहा हो, तो वो आपका फॉल्ट है। के क्यू तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन होगा, आर के पावर -1 डिवाइड बाय -1 ए से बी, माइनस के क्यू ये बन जाएगा 1/b -1/a। माइनस साइन को अंदर कंज्यूम करूंगा तो ये बन जाएगा के क्यू 1/a -1/b, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा, के क्यू ए बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस। तो ये आपका बना पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, सिंपली मुझे आंसर मिल जाएगा कैपेसिटेंस। दिस इंप्लाइज कैपेसिटेंस क्या बनेगी, क्यू। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, के क्यू बी माइनस ए डिवाइड बाई ए, ठीक है, के क्यू बी माइनस ए डिवाइड बाई ए।
इस के को ऊपर ले जाऊंगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस बनेगी एक स्फेरिकल कैपेसिटर की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस, ये आपकी बन जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, समझ आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। साइलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर है तो फोर शो, एक अरेंजमेंट है कंडक्टर की, अरेंजमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल शेल कंडक्टर्स, सिलेंड्रिकल शेप की शेल के कंडक्टर्स। कैसे? ठीक ऐसे पहले मैंने एक सिलेंड्रिकल शेल ले ली, इसके अराउंड एक और सिलेंड्रिकल शेल ले लेते हैं, हाँ जी आते हैं। नेक्स्ट, ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप कैपेसिटर है, ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं इसकी जो लेंथ है हाइट एच एल, और जो रेडियस है मान लो इसकी रेडियस है आर ए और इसकी रेडियस है आर बी, जो इनकी रेडियस है ना वो काफी छोटी है इसकी लेंथ के कंपेरिजन। अगेन मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, इस अंदर वाले को पॉजिटिव प्लस क्यू, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ अंदर कितना इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू, मतलब पूरे पे माइनस क्यू होगा, ऐसा नहीं एक साइड पे माइनस क्यू होगा, इस अंदर वाले पूरे पे प्लस क्यू है, बाहर माइनस क्यू हो जाएगा, और मैं बाहर वाली प्लेट को ग्राउंड करूँगा, ग्राउंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्टेब्लिश होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ स्टेब्लिश होगा पूरे के पूरे सिलेंडर में, हालांकि दिखा मैं सिर्फ टॉप पे रहा हूं, पर ये पूरे के पूरे सिलेंडर में स्टेब्लिश हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज गिवन, हमने चार्ज कितना दिया प्लस क्यू डिवाइड बाय वी ए माइनस वी, वी ए माइनस वी मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल, और ये एंडिंग पॉइंट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ई के स्टार्टिंग पॉइंट का, ई के एंडिंग। अब बात करते हैं निकालेंगे कैसे, भाई सेम काम हमें पता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अराउंड, अगर आपको याद हो, कुछ याद हो तो कुछ याद है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? 2 के लैम्डा बाय आर समथिंग करके, हाँ ऐसे अगर मेरा कंडक्टर है, ठीक ये लेंथ एल है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी हम क्या मान लेते हैं? लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाय एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहां से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना होता है? के लैम्डा बाय आर, ये एक्सप्रेशन 2 के लैम्डा, 4 बाय 7 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट है ए से बी, 2 के लैम्डा बाय आर डी आर, ये कितना कितना बना? V a माइनस V b। अब लैम्डा को क्या पूछ सकता हूँ? 2 के लैम्डा इज Q बाय L, और ये सब तो कांस्टेंट है। dr बाय r का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। ये बन गया 2 a³ बाय l log ऑफ r, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करूंगा? a से b, ये बना आपको V a माइनस V b। सो दिस इंप्लाइज ये क्या बना? 2 a³ बाय l ln b/l, ये बना आपको V a माइनस V b, ठीक है। बस आप वैल्यू पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो तो कितना बनेगा? Q टाइम्स 2 k लैम्डा की जगह लिखूंगा Q/L और ln b/L, ठीक है। कैपेसिटेंस Q से Q कट गया, और इसको क्या लिख सकता हूँ? ये ऊपर चला जाएगा, 4 pi epsilon naught / 2 ln b/A = c, और ये L भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम मान के चलते हैं L मेरा ना काफी लार्ज है, वेरी लार्ज, तो हम इस एल को यहाँ पे ले आते हैं। हम बोलते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, और ये आंसर आता है 2 pi epsilon naught / log b/A, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाता है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ को अगर बोले टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, लेंथ इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगी और ये आपका आंसर आता है, ठीक है, समझ आ गया? ठीक। नेक्स्ट इज आप एक जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें क्या अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स काफी क्लोजली अपार्ट है। एक मैं बना लूं फिर मैं लिख देता हूँ सारी डिटेल्स। आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? डी, और ये प्लेट्स का एरिया कितना है? दोनों प्लेट्स का एरिया, ये प्लेट्स का एरिया हम क्या मान के चलते हैं कि जो टी है ना, सेपरेशन डी बिटवीन प्लेट्स इज वेरी वेरी स्मॉल। वो स्मॉल क्यों लेते हैं? ताकि हम एज इफेक्ट्स को इग्नोर कर सकें, कि अगर ये सेपरेशन फाइनाइट होगा, मतलब फाइनाइट इन द सेंस कि सिग्निफिकेंट होगा, स्मॉल नहीं होगा, तो जो कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऐसे कर्व हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं कर्व इफेक्ट, एज इफेक्ट्स।
जो एचिज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कर्व हो जाएगा। तो इन एच इफेक्ट्स को इग्नोर करने के लिए हम मानते हैं कि हमारा जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं वो वेरी वेरी क्लोजली पार्ट है, बहुत पास पास है, बहुत बहुत ज्यादा पास, ठीक है, बहुत पास पास है। इसके केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसकी क्या कैपेसिटेंस होगी, इसकी कैपेसिटी कितनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज दिया, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अंदर एक माइनस क्यू इंड्यूस होगा और एक बाहर प्लस क्यू इंड्यूस होगा। तो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, तो ये जो बाहर वाला प्लस क्यू हुआ ये सारा का सारा ग्राउंड में चला जाएगा और इस प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अगेन कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है क्यू डिवाइड बाई वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो जाए, ठीक है। अब वी ए बाय माइनस वी बी कैसे निकालेंगे, अगेन सेम काम, हमें पता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी वी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब आपको पता है अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, सेपरेशन कम है मतलब मैं इनको इनफाइनाइट मान लू, मैं जो रिजल्ट यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इनफाइनाइट शीट वाला याद रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो और हमने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं ऐसे और काफी क्लोजली ए पार्ट है तो इस प्लेट लेट्स इस पे प्लस प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी अंदर वाली साइड, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, और इस वाले की वजह से भी आएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, तो ऐड होके आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम मान के चलते हैं कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो डी आर, डी आर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका एक छोटा सा पार्ट डी आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा इनके बीच का सेपरेशन डी, पोटेंशियल डिफरेंस बना सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन डी ए माइनस वी। अब सिग्मा को भी अगेन आप लिख सकते हो, सिग्मा का होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको लिख सकते हो चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन और डी। अब कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस मेरी क्या बन जाएगी, ए एप्सिलॉन सॉरी क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन, क्यू डी बाई एप्सिलॉन ये बना क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन, ये ए एप्सिलॉन में ऊपर चला जाएगा तुम्हारा रिजल्ट बनेगा इस क्यू से क्यू कट जाएगा ए एप्सिलॉन ऑफ बाई डी, ये हमारी कैपेसिटी। अगर आप ऑब्जर्व करो हमने तीन कैपेसिटर पढ़े, वन इज स्फेरिकल, सेकेंड इज सिलेंड्रिकल, थर्ड इज पैरेलल प्लेट। तो उससे पहले हम पढ़ चुके थे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब इनमें क्या क्या फॉर्मूले आए, फॉर्मूला देखो, इसमें आया फॉर्मूला कैपेसिटेंस का 4 पाई एप्सिलॉन ए बी डिवाइड बाय बी माइनस, ये फॉर्मूला क्या बना 2 के लैम्डा लॉग ऑफ बी बाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला बना, ए एप्सिलॉन बाय डी। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हमने लास्ट क्लास में करा था, वो बनता है 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे बी क्या है, बी है आउटर शेल की रेडियस, आउटर शेल की रेडियस सेम ये वाला बी है, और ए क्या है इनर शेल की रेडियस,
सेम यहाँ पे है। और ए क्या है, प्लेट्स का एरिया, प्लेट्स का एरिया। डी क्या, उनके बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। ये सब मैंने क्यों लिखवाया है, ये सब मैंने आपको ये बताने के लिए लिखवाया है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज। इस फॉर्मूला से ये हमें देखने को मिलता है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है और वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रही है। पर ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा फिक्टिशियस लग रहा है, मतलब ये दिख रहा है पर असल में ऐसा है नहीं। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है, मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, वो आपके अरेंज जो कंडक्टर्स की अरेंजमेंट है ना, उसकी कॉन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे कंडक्टर्स लिए हैं। जैसे कॉन्फिग्रेशन मतलब उनकी रेडियस पे, यहाँ पे देखो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ए और बी। ये तो हमारा चलो कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, पी और ए पे है ना। तो यहाँ पे लैम्डा आई गेस नहीं आया, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला गलत लिख दिया। आप लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं है ना, ये फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन एल एन बी पाई। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो इस बात पे तो डिपेंड नहीं करेगी कि ये कितना चार्ज दिए। लैम्डा बेसिकली चार्ज पर यूनिट में किसी भी कंडक्टर या अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस है, इस बात पे तो डिपेंड नहीं करते कि हमने कितना चार्ज दिया और कितने वोल्टेज दिए। वो तो इस चीज पे डिपेंड करती है कंडक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितनी लेंथ है, कितना एरिया है, कितनी रेडियस है, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, डायमेंशंस पे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड। तो जो कैपेसिटेंस है, हालांकि लास्ट क्लास में भी हम कर चुके हैं, कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अगर क्वेश्चन में आ जाए, क्या चार्ज पे डिपेंड करती है, कितना चार्ज किया, नहीं। क्या वोल्टेज पे डिपेंड करती है, नहीं। वो तो डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स। अरेंजमेंट बोले तो किस टाइप के कंडक्टर्स हैं, कितनी डायमेंशन के कंडक्टर्स हैं, और प्लस इन बिटवीन मीडियम क्या यूज हुआ, मीडियम एयर यूज हुआ है या कोई दूसरा मीडियम। तो अभी तक हमने तीन तरह के कैपेसिटर्स पढ़े हैं। तो हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थोड़ा और डिटेल में है, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया तो बता दो, वरना आगे बोलो। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। अब हम बार बार ऐसे प्लेट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे बार बार हम ऐसे बार बार प्लेट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम सिंपली ऐसे बताएंगे, एक प्लेट एरी और साथ में एक प्लेट एरी। अब क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ समझ रहे हैं, तो हम इनके बीच का गैप है बहुत बड़ा बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए, पर असल में इनका गैप बहुत कम होता है। तो डीए बहुत स्मॉल होता है क्योंकि ये तो डायग्राम है, डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है अंदर की तरफ, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है अंदर की तरफ। इनकी प्लेट्स का एरिया कितना है, ए। लेट से ये प्लेट है वन, ये प्लेट है टू। क्वेश्चन इज प्लेट वन प्लेट टू पे कितना फोर्स लगा रही है, और प्लेट टू प्लेट वन पे कितना फोर्स लगा रही है। चलो सोल्व कर लेते हैं सिंपल से। ये मान लो प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। अगर मैं बात करूं प्लेट टू पे कितना फोर्स लग रहा है, तो सिंपली अगर मैं मुझे बात करनी है प्लेट वन की वजह से टू पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं लिखूंगा चार्ज ऑन प्लेट टू, चार्ज ऑन प्लेट टू, और उस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि तो मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट वन। प्लेट वन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्लेट टू कितना है, मैग्नीट्यूड क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब सिर्फ मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, इस डायरेक्शन में सिर्फ इसका,
सेकंड वाली प्लेट का नहीं काउंट करना, तो लिखूंगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। तो बन जाएगा क्यू, सिग्मा को लिख सकता हूँ क्यू बाई ए, तो आंसर बनेगा क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन। ये बन गया आपका फोर्स। ठीक है, अभी हमें एक चीज पता है, फोर्स कितना बना, क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन। अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको भी एरिया से डिवाइड करते हैं, तो प्रेशर कितना बनेगा, इस क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं सिग्मा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बन गया सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। एप्लीकेबल एवरीवेयर, उसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिकल प्रेशर, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर मतलब फोर्स ऑन यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, ये मतलब है ना। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चार्ज ऑफ अदर चार्जेस, जो कि बाकी चार्ज प्रेजेंट है, उन बाकी चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा, वो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे यूज होएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमने डेरिवेशन सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए करी है, पर ये जो रिजल्ट है ये हर जगह वैलिड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन क्या था, अगर मान लो ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसके ऊपर चार्ज ऐसे गिवन है, क्वेश्चन शायद ये था कि वरन जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है वन और ऊपर वाला हाफ पोर्शन है टू, नीचे वाला हाफ पोर्शन ऊपर वाले पे कितना फोर्स लगा है, ये कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, वो आप निकाल ही सकते हैं कि देखो यहाँ पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो अब यहाँ के इनफाइनाइट एलिमेंट्स का, यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स का वेक्टर सम कैसे लोगे, तो यहाँ पे ट्रिक यूज कर लेते हैं कि हमने छोटा सा क्वेश्चन हल समझ लिया, ये वाला क्वेश्चन छोटा सा, यहाँ से थीटा एंगल पे जो कि यहाँ डी थीटा एंगल सबटेंड करता है, क्वेश्चन आया है तो मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, हालांकि बाद में हम करेंगे। अगर ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, क्वेश्चन क्या, सबसे पहले क्वेश्चन है कि इस नीचे वाले हाफ पोर्शन पे ऊपर वाले हाफ पोर्शन की पे कितना फोर्स लगेगा, तो हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, इस छोटे से पोर्शन पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, तो फोर्स कितना है, फोर्स की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन इनटू छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एरिया कितना बनेगा, लेट्स से डीए बनेगा। ठीक है, इस पूरे पे कितना फोर्स लगेगा, ये एंगल है थीटा, तो इसको ये छोटा सा फोर्स है डीएफ सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आंसर बन गया, हालांकि करेंगे हम आने वाले टाइम में, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया फॉर द टाइम बीइंग कि इसका ये यूज है ना। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको एक ग्राफ गिवन है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस के, वोल्टेज और चार्ज के बीच में, एक ग्राफ गिवन है,
वोल्टेज एंड चार्ज, ठीक है। और कुछ यहाँ पे डेटा ऐसे की बना ग्राफ में, मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये है 80, ये है 5, तो चार्ज इसमें गिवन है माइक्रो कूलम। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द कैपेसिटेंस, मान लो ये कंडक्टर 1 के लिए ग्राफ है, ये कैपेसिटर 2 के लिए ग्राफ है, फाइंड C1 एंड C2, करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा। सिंपली क्या करना है, C1 क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज ना, तो इसका आपको स्लोप लेना है, बेसिकली इसका स्लोप लेना है और इसका स्लोप लेना है, करके बताओ कितना आ रहा है C1 और C2 की वैल्यू। अगर आप कर रहे हो तो बता दो, वरना मैं करती हूँ। आप लोग कर रहे हो, अधिकति पाठक यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, माइक्रो फैरड, चार्ज माइक्रो कूलम है, माइक्रो भी आएगा, माइक्रो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हालांकि ये जो रिजल्ट है वी आर ड्राइविंग फोर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम डिराइव तो पैरेलल प्लेट के लिए करते हैं, बट वैलिड है फिर ये, वैलिड हर कैरियर की कैपेसिटी के लिए, ठीक है। एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है डी और एरिया तो हम मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, से बैटरी की वोल्टेज है वी वी नो, ठीक है। तो होगा क्या, शुरू में जब ये कैपेसिटर जब चार्ज यहाँ पे कनेक्टेड नहीं था, ये कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था, तो इस कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल, ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट वन है, ये प्लेट टू, इनिशियली चार्ज जो था प्लेट वन पे भी और प्लेट टू पे भी जीरो है। अब और इनिशियली जो वोल्टेज थी दोनों के बीच का V1 और V2 दोनों प्लेट्स का वोल्टेज भी जीरो। अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से जो है चार्ज जो है ट्रेवल करने लगेगा और इस प्लेट पे आने लगेगा धीरे धीरे, यहाँ बिल्डअप होएगा। अगर यहाँ प्लस चार्ज बिल्डअप हो गया तो जितना ये प्लस चार्ज बिल्डअप हो उतना ही नेगेटिव बिल्डअप होगा, तो जितना नेगेटिव आया उतना ही प्लस बिल्डअप होगा। अब क्योंकि ये तो जीरो पोटेंशियल है, अगर इन दो बैटरी का पोटेंशियल वी नोट है तो मैंने मान लिया जीरो पोटेंशियल है, ये वी नोट पोटेंशियल है, तो ये जो बाहर वाला चार्ज है ये सारा का सारा चार्ज बैटरी में चले गए, ठीक है। और चार्ज कंजर्वेशन भी तभी फॉलो होगा ना, अगर यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गया है तो बैटरी के पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज वापसी भी आना चाहिए,
क्योंकि बैटरी जितना चार्ज देती है उतना ही चार्ज बैटरी ले लेती है वापस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर, ठीक है। अब शुरू में फाइनली फाइनली की बात करते हैं, फाइनली क्या हो, फाइनली लेट से रेट वन पे कुछ प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो प्लस टू रेट टू माइनस क्यू, माइनस क्यू आ गया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज आया और यहाँ पे इंडक्शन की वजह से आया, यहाँ अगर यहाँ प्लस था तो या माइनस था इंडक्शन, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। सेकेंड इज, दोनों प्लेट्स का जो तो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन माइनस वी टू, वो किसके बराबर आ जाएगा, वी वन। फाइनली द फाइनली जब हो, जब ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब भी हम फिजिक्स करते हैं हम तो बोलते हैं इन बिटवीन स्टेज, इस इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच का एक इन बिटवीन स्टेज है, तो उस इन बिटवीन स्टेज पे मैं मान रहा हूँ लेट्स क्यू, लेट्स से इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, और इन बिटवीन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी। अब अगर मुझे डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज और ऐड करना है, स्मॉल डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मुझे और ऐड करना है, और चार्ज भेजना है, तो इस बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो चार्ज कितना है, चार्ज हमें कितना भेजा डी क्यू, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, इस ये जो ऑलरेडी ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ चुका है, वो हमने कितना मान लिया, वी आ चुका है, वी वोल्ट आ चुका है। अब बैटरी को वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, इस वी वोल्ट के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, इस वी वोल्ट के अगेंस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय वी, तो मुझे टोटल वर्क डन निकालना है डी क्यू, अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, और मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है वी किसके बराबर होता है, कि हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस तो कॉन्स्टेंट ही है, अभी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस कैपेसिटर के ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था, भी उसकी वोल्टेज नहीं, तो वी किसके बराबर बन जाएगा, क्यू बाय सी, किसके बराबर बन गया, क्यू बाय सी, तो वी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इंटीग्रेशन टी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय सी, अभी कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू। इसका मतलब इतना बैटरी में वर्क डन करा, वो सॉरी इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, इतनी एनर्जी स्टोर होगी उस कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, और वो वर्क डन किसके बराबर आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। यहाँ क्यू स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि क्यू की लिमिट कहाँ से होगी, क्यू से लेके कैपिटल, तो यहाँ जब लिमिट्स पुट करूंगा तो वर्क डन किसके बराबर आया इतना, तो दिस इज एनर्जी स्टोर। अब इस फॉर्मूला की दो तीन और शक्ल है, कैसी है हमें पता, देखो हमने फॉर्मूला क्या डिराइव करा, E इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हमें पता है क्यू किसके बराबर होता है, सी वी के, अगर मैं क्यू की वैल्यू एक बार यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा आंसर बनेगा एनर्जी का हाफ सी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, तो आंसर बन गया हाफ सी वी स्क्वायर। एक बार मैं सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सी की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, क्यू बाई वी, सी की वैल्यू क्यू बाई वी अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरा एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हाफ क्यू स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या पुट करूँगा, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ई किसके बराबर बनेगा, हाफ क्यू। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला बन जाते हैं एनर्जी के, दैट इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या क्या गिवन है हम वो फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा दें। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला तो है हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू, तीन पैरामीटर्स है ना, क्यू सी और बी,
एक फॉर्मूला किस किसके बीच में, क्यू और सी के बीच में? एक फॉर्मूला है क्यू और सी के बीच में जो कि वी वाला गिवन है, ठीक है, और एक फॉर्मूला है सी और वी के बीच में, सी और वी के बीच में जो कि हमें ये वाला गिवन है, ठीक है, और एक फॉर्मूला किसके बीच में, क्यू और वी के बीच में। ये क्यू और वी के बीच में, ठीक क्योंकि तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब बात आती है कि ये तो एनर्जी स्टोर हुई पर बैटरी ने कितना वर्क डन करा। अगर देखा जाए इस बैटरी ने तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज चलाया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी ने भेजा है, और कितनी वोल्टेज पे भेजा है, वी वोल्ट पे। तो बैटरी ने तो वर्क डन करा है क्यू वी, क्योंकि बैटरी का वर्क डन क्या होता है, चार्ज गिवन बाय बैटरी मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज ऑफ बैटरी। बैटरी का वर्क डन क्या होता है, चार्ज गिवन बाय बैटरी, चार्ज गिवन बाय बैटरी मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, बैटरी ने वर्क डन तो किया क्यू वी, लेकिन स्टोर कितना हो रहा है, स्टोर हो रहा है हाफ क्यू वी। इसका मतलब 50% एनर्जी हमारी हीट में लॉस होती है, 50% एनर्जी इज लॉस्ट इन हीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना करेंगे, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो और समझ में आ गया तो बता दो।